जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल्स को जानेंगे जीके की क्लास में, ताकि हमें ये पता लगे कि जब भी हम रोड पर जा रहे होते हैं और कोई चौराहा आता है, कोई चौक आता है जहां पर पुलिस खड़ी है और वहां पे वो सिग्नल दे रहा है, हमें ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करता है। वो सब हम आज की क्लास में जानेंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास श्रीनिवास सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि हम सबको ये जरूर पता लगे कि ट्रैफिक पुलिस जो भी हैंड सिग्नल हम लोगों को दिखाता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या सिग्नल दे रहा है। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ट्रैफिक पुलिस के हैंड के सिग्नल। सबसे पहले आप अगर ये देख रहे हैं, ये जो पुलिसमैन है ये कौन सा सिग्नल दे रहा है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हर यहाँ पर जनरली क्या होता है कि बहुत ज्यादा जगह ट्रैफिक पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। वो ट्रैफिक पुलिस यहाँ सिग्नल देता है हर चौराहे पर, हर चौक पर। क्या सिग्नल देता है कि कब किस गाड़ी को, कब किस ट्रैफिक को रुकना है, कब किस ट्रैफिक को चलना है, पीछे वाली गाड़ी को कब रुकना है, आगे वाली को कब रुकना है, लेफ्ट वाली को कब चलना है, राइट वाली को कब चलना है, ये सभी जो सिग्नल है वो एक ट्रैफिक पुलिस वो ट्रैफिक को देता है, यानी जो ड्राइव कर रहा होता है। राइट, तो सबसे पहले हमें ये देखना है पहला सिग्नल कौन सा है जो ये ट्रैफिक पुलिस दे रहा है या जो दिखा रहा है। टू स्टार्ट वन साइडेड व्हीकल को चलाने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं ये हाथ दिखा रहा है कि दूसरी साइड वाले को रोकना है, ये स्टॉप सिग्नल है। राइट, ये स्टॉप है, लेकिन ये वाली जो बाजू है वो ये इस प्रकार से यानी चलने का इशारा कर रहा है। चलना मतलब स्टार्ट करने का, वन साइड व्हीकल को स्टार्ट करने का इशारा कर रहा है। राइट, नेक्स्ट क्या है, टू स्टॉप व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट, सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसको रोकने के लिए हाथ दिखाया। राइट, सामने से जो व्हीकल आया उसको रोकने के लिए हाथ दिखाया, दिस इज कॉल्ड स्टॉप व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, ध्यान दीजिए ये हाथ इस तरीके से है पीछे की तरफ, यानी बैक साइड वाले जो व्हीकल है उनको कह रहा है कि रुक जाए। राइट, बैक साइड वाले व्हीकल को, ये हाथ की डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है, ये बैक साइड वाले व्हीकल को कह रहा है कि रुक जाए। स्टॉप व्हीकल, स्टॉप मींस रुकना, व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से जो आ रहे हैं उनको रुकने के लिए बोल रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्या है हमारा, टू स्टॉप व्हीकल कमिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड। देखो, एक तो रोकना है फ्रंट वाले को, एक रोकना है बैक वाले को। फ्रंट वाले को रोकने के लिए हमारा ये वाला सिग्नल जो हमने पहले भी पढ़ा है, और बिहाइंड यानी पीछे वाले को रोकने के लिए हमारा ये वाला हाथ जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा है। तो स्टॉप फ्रंट एंड बिहाइंड। राइट, नेक्स्ट क्या है हमारा, टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। अब देखो, फ्रंट और बिहाइंड तो हमने रोक दिए थे, अब लेफ्ट राइट को कैसे रोकेंगे, दोनों को इशारे करेंगे, दोनों को रुक जाने, यानी लेफ्ट साइड वाला भी राइट साइड वाला दोनों को रोकने के लिए। राइट, नेक्स्ट क्या है, टू स्टार्ट व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट देखो, फ्रंट एक हाथ दिखा रहा है कि यहां फ्रंट वाले को रोकने के लिए, फ्रंट वाला रोक दिया, अब लेफ्ट साइड वाले को कहना है कि स्टार्ट, चलिए आप लोगों की टर्न है, नाउ यू नीड टू मूव। राइट, ये लेफ्ट साइड वाले को मूव करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टू स्टार्ट व्हीकल कमिंग फ्रॉम राइट। अब देखो, पहले क्या था, लेफ्ट वाले को मूव किया, अब किसको, राइट वाले को, यहां वाला यार, यहां नहीं, ये राइट वाले को मूव करने को बोल रहा है। राइट वाले को मूव करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये है साइन को चेंज करने। देखो, सबसे पहले हमने किया कि फ्रंट स्टॉप, बिहाइंड स्टॉप, फिर फ्रंट और बिहाइंड दोनों को रोकने के लिए कहा, लेफ्ट साइड को रोकने के लिए कहा, लेकिन इन बिटवीन हमने कुछ साइन चेंज किए हैं, और हर साइन को चेंज करने के लिए दूसरे, हर बार हर साइन को चेंज करने के लिए ये इशारा जरूर करना है, ये इशारा जरूर करना है, दिस साइन। राइट, हर बार साइन चेंज करने से पहले ये साइन जरूर करना है, इसका मतलब है कि मैं वो साइन जो अभी पहले दिया है उसको चेंज करके अगला साइन देने जा रहा हूं। राइट, नेक्स्ट क्या है, टू स्टार्ट वन साइडेड व्हीकल,
एक साइड की, देखो एक साइड की रोक दी, दूसरी साइड की व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए ये वाला सिग्नल है हमारा, यहां से रोक दिया, ये हमारा मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, टू स्टार्ट व्हीकल ऑन टी पॉइंट। अब ये टी पॉइंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। टी पॉइंट में एक रास्ता इस तरफ से बंद है और यहां पर सीधा फेस में व्हीकल जा रहा है, राइट, यानी एक साइड यहां मूव करेगा, एक साइड यहां, लेकिन यहां पर कोई व्हीकल नहीं है, बात समझे, दैट इज कॉल्ड टी पॉइंट। अब देखो इसमें क्या है, स्टार्ट व्हीकल ऑन टी पॉइंट, इधर वाला रोक दिया, सामने वाले को बोल रहा है कि आप स्टार्ट करें, दोनों यानी इस साइड वाला भी रोकना है, इस साइड वाला भी रोकना है, टी पॉइंट वाला सामने वाले को बोलेंगे कि आप स्टार्ट करें अपने व्हीकल को, राइट। नेक्स्ट क्या है, टू गिव वीआईपी सैल्यूट। वीआईपी सैल्यूट क्या है, हमारे भारत में वीआईपी कल्चर बहुत है। अब इसमें है क्या कि यानी रोड पे जब भी कोई वीआईपी क्रॉसिंग होगी, अपनी गाड़ी से क्रॉस कर रहा है कोई वीआईपी, कोई मंत्री, कोई भी वीआईपी, राइट, एक्स वाई जेड, तो उसको सैल्यूट देने के लिए क्या सिग्नल है, दिस वन, राइट, उसको सैल्यूट देने के लिए ये सिग्नल बनाया है। ये देखिए, ये हाथ, एक हाथ इस तरीके से मूव किया, दूसरा ये हमारा हो गया वीआईपी सैल्यूट, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट क्या है हमारा, टू मैनेज व्हीकल ऑन टी पॉइंट। अब टी पॉइंट पे देखो, टी पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक साइड से व्हीकल नहीं आती, यहां से इधर टर्न करना होगा, यहां से इधर टर्न करना होगा, या फिर सामने रोड जाएगी, इधर वाली कोई ट्रैफिक नहीं होगा। अब उन व्हीकल को मैनेज कैसे करना है कि इधर वाले को कब भेजना है, इधर वाले को, उसके लिए सिग्नल है एक साइड रोकना, दूसरे को मूव करवाना, दूसरी साइड से मूव करवाना। तो मैंने आपको ये सारे साइन जो एक ट्रैफिक पुलिस ऑन रोड देता है वो मैंने आज आपको बता दी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे, और समझ आए हैं तो इनको अपनी लाइफ में जरूर उतारिएगा, जरूर जब भी कोई आप ट्रैफिक पुलिस देखे उनके सिग्नल को समझने की कोशिश करिएगा, और हमारे भारत के ट्रैफिक सिग्नल्स को, उनके रूल्स को फॉलो करने की जरूर कोशिश करिएगा, तभी हमारे ट्रैफिक रूल और ज्यादा सुदृढ़ हो पाएंगे और एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत कम हो पाएंगी। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।